जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पा लो। समय आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। दो प्रश्न पूछकर मैं शुरू करना चाहती हूँ। आप जो हैं उससे क्या आप सुखी हैं? आपके भाग्य से आपको कोई चीज दूर रख रही है? बहुत दिनों तक मैं बनी रहने में सफल नहीं हो पाई। दूसरे लोग जो चाहते थे कि मैं बनी रहूं उसमें मैं बहुत तेज थी, मगर प्रभु ने मुझे जिसके लिए बनाया था उसमें बनी रहने में मैं तेज नहीं थी। मैंने एक पुस्तक लिखी, शीर्षक है हाउ टू सक्सीड एट बींग योर सेल्फ। मुझे इसके लिए कठिन समय का सामना करना पड़ा, फिर परमेश्वर ने मुझे जय देना शुरू किया। मैंने औरों को बताना चाहा ताकि उन्हें भी जय मिल सके। परमेश्वर ने आपकी रचना जो बनने के लिए की है उससे भिन्न कुछ और बनने की कोशिश करें तो आप बहुत परेशान होंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे दर्शकों में जो परेशान हैं और नहीं जानते कि क्यों परेशान है। आपको अभी तक सही पता नहीं चला है। आप डॉक्टरों और परामर्शदाताओं के पास भाग रहे होंगे ये जानने के लिए कि आप इतने असुखी क्यों हैं। मेरे ख्याल से आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप वही कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है करने को, या आप दूसरे लोगों को सुखी करने के लिए और उनकी आशाओं को पूरा करने में अपना जीवन बिता रहे हैं। और पता लगता है कि हर कोई आपसे अलग अलग उम्मीदें रखता है, और जब आप सबकी इच्छा पूरी करने में लगते हैं तो आप भिन्न दिशाओं में खिंच जाते हैं और अंत में अपने को खो देते हैं। आज हम एक ऐसी स्त्री की कहानी से शुरू करते हैं जो आत्मसंदेह के कारागार में जीती थी। वो आत्मसंदेह इतना तेज हुआ कि वो भय से पंगु हो गई। क्या उस आत्म अस्वीकृति से कभी छुटकारा मिल सकता है? अपने आप देखिए और पता लगाइए। एक सुंदर घर में जन्म लेने के बाद एनी विलियम्स का जीवन उतना ही सुखी लगा जितना दिखता था। 6 साल की उम्र में उनका यीशु से प्रेम हो गया और हर चीज ठीक ठाक लगने लगी। 1 साल के बाद उनके सिद्ध संसार पर बिजली गिरी। मैं माँ के कमरे में गई और देखा कि वो बिस्तर पर पड़ी रो रही थी, और उसने मेरे भाई और मुझसे कहा कि पिताजी गुजर गए। मैं कमरे से भागी परेशान होकर। परिवार का एक व्यक्ति मेरे पीछे आया और बोला कि मुझे माँ के लिए कठिन होना चाहिए। मुझे अचानक बीती के बोझ का एहसास हुआ और लगा कि मुझे एक नई लड़की बन जाना है और मुझे बलवान बनना है, और यही नहीं अपनी भावनाओं को मुझे भूल जाना चाहिए। एक बहुत ही उलझन की बात सामने आई जब किसी ने एमी से कहा कि उसके पिता इतने अच्छे व्यक्ति थे कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में चाहते थे। मैंने सोचा, प्रभु हम इतने अच्छे दोस्त हैं, ये तूने कैसे किया? मेरे पिता को मुझसे छीन कर ले गया, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम रखा और पिताजी से भी, और तेरी जरूरत से ज्यादा मुझे उनकी जरूरत है प्रभु। उस दिन से उसने यीशु से बातें करना शुरू किया। मेरे बच्चे के जन्म के बाद मैं खुद मरने से डर गई, क्योंकि मेरा बच्चा अकेला हो जाएगा। एमी कहती है कि भय उसके जीवन पर नियंत्रण करने लगा। अंधेरे में ही उसे सुरक्षा महसूस होती थी। अंधेरे में उसे अपने जीवन की ओर देखना नहीं पड़ता था। 3 महीने तक वह घर से बाहर नहीं आई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर झांकती या खिड़की से झांककर बाहर चलते लोगों को देखती, मगर मैं बाहर नहीं जा सकी। मैं उस मोड़ पर पहुंचे कि सोचने लगे कि अब मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं अच्छी तरह जानती थी कि मरना सही निर्णय नहीं। मैं जानती थी मैं चली जाऊंगी तो मेरा बच्चा मातृहीन हो जाएगा। एक दिन एक मसीह कार्यक्रम ने उसका ध्यान खींचा। जॉयस मेयर का नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, मगर उसने पाया कि जॉयस उसे जानती थी। कार्यक्रम के बाद उसने जाना कि मदद के लिए उसे किसके पास जाना चाहिए। उसके बाद मैंने वचन पढ़ना शुरू किया और फिर से प्रार्थना करने लगी। उसने अपना जीवन यीशु को फिर से समर्पित किया। घर से बाहर जाने में उसे साहस मिला, परंतु उसका जीवन अभी भी दुख के चंगुल में फंसा था। मैं दूसरे लोगों को देखकर सोचने लगती, यदि मेरा घर बड़ा होता तो मैं सुखी होती, मैं जरा दुबली होती तो सुखी होती, और सुंदर होती तो सुखी होती। एमी कहती कि प्रभु ने उसके जीवन में एक ऐसी किताब लाई जिसने उसका जीवन सदा के लिए बदल दिया। जो है बने रहने में सफल कैसे हो,
यह शीर्षक ही अद्भुत लगा सुनने में। उस किताब से उसने सीखा कि कैसे प्रभु ने उसे अद्भुत बनाया है, कि वह उसी कमजोरी का उपयोग कर सकते हैं और अपने आप में होने में ही वह सफल है। अंत में उसे वह सुख मिला जो उसने पिता की मृत्यु पर खो दिया था। पहले मैं कैदी हो गई थी, अपने घर में ही नहीं अपने मन में भी। अब ये एक चाबी की तरह था जिसने कारागार का द्वार खोल दिया और मैंने एक ऐसे जीवन में कदम रखा जिसका मुझे पता ही नहीं था। आज एमी उतनी ही सुखी है जितनी तस्वीर में दिखती है। अब वह अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करती है। वह जानती है कि वह अपने आप में ही ठीक है। जो सुधार करने की उसे जरूरत है उसका स्वर्गीय पिता उसे अवश्य मदद करेगा। आप सोचते हैं कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता या आप पर जो बीत रही है उसे भी, या वे आगे कभी समझेंगे भी नहीं, परंतु एक व्यक्ति समझ सकता है और वो यीशु मसीह। वो उस अंधकार की गहराई को समझता है और वही आपसे मिलकर और आपका हाथ थामकर आपको अंधकार से जीवन देने वाली रोशनी में बह लाएगा जैसा उसने मेरे साथ किया। एमी के साक्ष्य ने मेरे हृदय को छू लिया और मुझे प्रतीति है कि आप में लाखों उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर धन्य हुए। आज वो यहीं मेरे साथ स्टूडियो में बैठी हैं और एमी के बारे में हम और भी पता लगाने वाले हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जॉयस। तुम्हें ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, तुम मेरे लिए अभी काम कर रही हो। ठीक। तुमने केवल अपने घर से बाहर आई और बंद द्वारों के भीतर जीना बंद किया, वरन तुम बाहर आई सेविकाई में काम करने और परमेश्वर की मदद से अब तुम लाखों लोगों के लिए आशीष बनी हो। हाँ, अद्भुत है, जब परमेश्वर द्वार खोलता है तो अद्भुत होता है। तुम कॉल सेंटर में काम करती हो, ये सही है ना? हाँ। बहुत से लोग बुलाते हैं जिनकी तुम्हारी तरह समस्याएं हैं या उनसे भी बुरी जिनका तुम सामना कर चुकी। बिल्कुल, बहुत से लोग फोन पर मेरा परामर्श पूछते हैं, क्लेशों को दूर करने वाली सामग्रियों पर, और सदा मेरे सामने यह प्रस्तुत आते हैं जो है बने रहने में सफल कैसे हो, और उन्हें मैं बताती हूँ कि यही पहली सामग्री है जो मैंने सेविकाई से खरीदी और कैसे उसने मुझे बदल दिया और क्या किया मेरे लिए, और वे इसे खरीद लेते हैं, इसे रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा मालूम होता है इससे मुझे मदद मिलेगी। मैं धन्य हुई क्योंकि ये पुस्तक कुछ साल पहले लिखी गई थी और उसके बाद में बहुत सी पुस्तकें लिख चुकी, परंतु मैं सदा लोगों से कहती हूँ कि ये मेरी उत्तम पुस्तकों में एक है, क्योंकि यदि आप वो व्यक्ति नहीं बन सकते जिसके लिए प्रभु ने आपकी रचना की है तो आपके सुखी होने का कोई और मार्ग नहीं है। ठीक कहा। एमी, हमें बताओ, जब तुमको बाहर जाने में घबराहट होती थी तो कैसा लगता था? उस तरह के भय में जीना किस प्रकार का बंधन है? उस अंधकार को याद करना बहुत पीड़ादायक है। मैं काबिल नहीं रही, हर तरह से असमत कर देता था। जो व्यक्ति नहीं जानता था कि मुझ पर क्या बीत रही है वह नहीं बता सकता था मुझे बाहर से देखकर, क्योंकि मैंने नकाब पहन रखा था। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। आप मेरे जीवन को देखते तो आप सोचते ये तो सुखी है, इसका परिवार अच्छा है, परंतु भीतर ये जकड़ मेरा गला घोरती थी। मैंने कभी आराम नहीं जाना। आप लोगों के बारे में सुनते हैं कि वे जहाँ हैं सही आराम से हैं, मैं कभी आराम से नहीं थी। चाहे अपने परिवार के साथ रही या बाहर लोगों के साथ, वो आराम वहाँ नहीं था। और मैंने उन चीज़ों को ढूंढा जो उसकी भराई करे। जो चीज़ें आपने पुस्तक में बताई हैं, वो व्यक्ति बनना जो दूसरे चाहते थे, या ये भी नहीं कि दूसरे चाहते थे मगर जो मुझे लगा कि दूसरे चाहते थे कि मैं बनूं, उस सांचे में ढल जाना बड़ी परेशानी की बात थी। क्योंकि थोड़ी देर तो मैं कर लेती और जब मैंने देखा कि वे इससे सुखी नहीं और मैं भी सुखी नहीं, तो मुझे लगा कि मैं चूक गई और बहुत परेशान हो गई और पहली दिशा में जाने लगी। सो जीवन बहुत बहुत कठिन हो गया। एमी, तुम जो कह रही हो मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसी परिस्थिति से मैं गुजर चुकी हूँ, परंतु एक बिल्कुल भिन्न कारण के लिए। बचपन में मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ जिससे मैं ये सोचने लगी कि मुझ में कोई खराबी है और मैं अपने को स्वीकार नहीं कर सकी। और मेरे साथ क्या खराबी थी? यदि मेरे साथ कोई खराबी ना होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हारी बात यह है कि पिता गुजर गए, भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति तुम्हें नहीं दी गई और इस क्रियाविधि से ना गुजर सकी, ना हमदर्दी मिली। तुम्हारे बालिका जीवन के उस मोड़ पर तुमसे कह दिया गया कि अब तुम्हें इन भावनाओं को निकालना पड़ेगा, कि भावनाओं
को व्यक्त करना अच्छी बात नहीं, असली तुम और औरों के लिए वहाँ होना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मगर तुम बच्ची थी और बड़ों का वहाँ होना तुम्हारे लिए ज़रूरी था, पर यहाँ तो बड़ों की भूमिका तुम पर आ गई। बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ, बचपन मैंने कभी नहीं देखा। मुझे तेज़ी से बढ़ना पर और जिन चीज़ों के लिए मुझे जिम्मेदारी की अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी उनके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ी। सो बड़ी होते होते मुझ में एक झूठी जिम्मेदारी आ गई और उसका एक अंश था कि मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि आसपास सबको सुखी रखूं। जैसा तुमने कहा, मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी कि यद्यपि मैंने कोशिश में कोई कसर उठा नहीं रखी उन्हें सुखी रखने की, हाँ। वे सुखी नहीं थे और आप सोचते हैं कि आखिर लोग मुझसे क्या चाहते हैं। हाँ। वो मुख्य बात या बातें क्या थी उस पुस्तक में जिन्होंने तुम्हें प्रभावित किया और तुम्हें काफी मदद मिली, और इस पुस्तक के लिए विशेष रूप से ऑर्डर क्यों भेजा? मैंने जब कार्यक्रम देखा तो इस दृष्टि से कैसे, मैंने सोचा ठीक है ये मेरा नुस्खा है सफल होने का, मैं बनने में कैसे सफल होऊं। सो मैंने जब कार्यक्रम देखा और इसने कहा आप स्वयं बने रह सकते हैं कि प्रभु ने आपकी रचना की है, आपको बनाया है, भूमि की नींव डालने के पहले ही उसने मेरा समर्थन किया है, इनका अर्थ मैं समझे नहीं। सो ये जानकर खुशी हुई, ये एक सामग्री है जिसे मैं खरीद सकती हूँ। मुझे पुस्तकें पढ़ना और टेप सुनना अच्छा लगता है, सो इन्हें पाकर मुझे अद्भुत सा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं नहीं जानती लोग कैसे पढ़ते हैं, किंतु मैं पढ़ती हूँ और किनारों पर लिखती हूँ। मैं हाथ में कलम के बिना पढ़ नहीं सकती ऐसा ही करती और बहुत खुशी होती, क्योंकि मैं उसे नीचे रख देती और पुस्तक जो बताती उस पर ध्यान करती और उसमें से धर्म पुस्तकें लेकर लिख लेती और पूरे घर में चिपका देती। अच्छी बात है। उस समय मेरे परिवार का उद्धार नहीं हुआ था, सो घर में धर्म पुस्तकें थी मुझे याद दिलाने के लिए, जब भी मैं फ्रिज के पास जाऊं या बाथरूम में या बेडरूम में, याद दिलाने के लिए कि प्रभु ने मेरी रचना की, मुझे बनाया और मेरा समर्थन किया। तुम जिसका वर्णन कर रही हो एमी, लोग उसे करते हैं, वो है विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़ना। अन्य शब्दों में तुमने वचन को हथियार के रूप में लिया, तलवार के रूप में, जैसे बाइबल हमें सिखाती है। तुमने पुरानी मनोवृत्तियों से युद्ध किया, पुरानी भावनाओं से, पुरानी जीने की रीति से, क्योंकि एक बार यदि आप समझ गए कि परमेश्वर के वचन पर चलने से आपको एक नया जीवन मिलेगा, और मिलेगा एक नए कैसे जो फल देगा। और मैं सदा अपने को समझती हूँ एक कैसे प्रचारिका। जब कोई मुझसे कुछ करने को कहता है और ये नहीं बताता कि मुझे इसे कैसे करना है, तो मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। मैं बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हूँ, यदि मेरी सामग्री मेज बेतु किसी न लगे तो मैं हर चीज को कहूंगी इसे कैसे करना है, उसे कैसे करना है, इसे कैसे करना है, क्योंकि मुझे भी क्रिया विधि पसंद है। मुझे बता दीजिए क्या करना है और मैं कर सकती हूँ। बहुत से लोग नहीं करेंगे जो तुमने किया, और इस बात को महत्वपूर्ण समझना इस समय जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि वे एक बार प्रार्थना करेंगे तो काम बन जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है और हमारे लिए कार्य में लगता है, मगर कभी कभी वो आपको कुछ काम देता है। एक काम है कि आप उन धर्म पुस्तकों को लेकर आराम से पढ़ने ना लगी, मगर उनको लेकर संग्राम में उतरिए। तुमने लिख लिया, उस पर लकीरें लगा दी, निशान लगा दिए, उसके बारे में सोचा, उस पर ध्यान दिया, उन्हें बार बार पढ़ा, घर भर में चिपका दिए। तुमने जो किया वो था तुम्हारे मन का नवीकरण, और अब तुम भिन्न रीति से सोचना सीख गई हो। मैंने 2 सप्ताह पहले कुछ पढ़ा था जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, इसे मैंने पढ़ा था या टेप पर सुना था याद नहीं आ रहा है। उसका आशय था कि जो व्यक्ति पढ़कर या अध्ययन से या किसी रीति से ज्ञान संचय नहीं करेगा, 5 साल बाद वो व्यक्ति वहीं पर रहेगा जहां आज है। ज्ञान के बिना कोई बदल नहीं सकता। सो तुमने अपना कर्तव्य किया ज्ञान पाने के लिए। मेरे ख्याल से ये ज्ञान पढ़ते पढ़ते एक बहुत जरूरी बात उससे मुझे मालूम हुई कि ये एक कार्यविधि है। सही कहा, मैं उलझन में पड़ गई। यदि एक प्रार्थना से मेरा काम बन जाता है या ऐसा कुछ जिससे काम बन गया होता, किंतु मैंने पढ़ा कि ये एक कार्यविधि है कि परमेश्वर मेरे सोचने का ढंग बदल देता। मैं भिन्न रूप से सोचने लगूंगी, बोलने लगूंगी, फिर मेरा बर्ताव भिन्न रूप से होने लगेगा। ये निभाने की कार्यविधि है। इससे मुझमें ज़रा बेहतरी आई कि पुस्तक पढ़ने के बाद 24 घंटे में मुझे जाना ना पड़ा। इस कार्यविधि से मैंने निपट लिया बहुत ही अच्छी तरह से।
इसे लोगों ने देखा। मेरे कई रिश्ते थे जिनसे दूर होना पड़ा, मित्रताएं थी जो मेरे लिए अच्छी नहीं थी, उनसे मुझे दूर होना पड़ा। तो ये थी जॉयस कार्यविधि। संसार में बहुत से लोग हैं जो तुम्हें जीने का साहस नहीं दिलाएंगे ना आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करेंगे। उनका शैतान इस्तेमाल करता है तुम्हें नीचे खींचने के लिए। वे शायद समझते भी नहीं कि शत्रु से उनका इस्तेमाल हो रहा है, मगर वे तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे अपने में बने रहने के लिए। वास्तव में वे तुम्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी हम समझते हैं कि हम यदि उन लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाएं तो हम उन रिश्तों को खो देंगे। परंतु आपको आज निर्णय कर लेना होगा कि यदि आप वो व्यक्ति बनना चाहें जिसके लिए प्रभु ने आपकी रचना की है, और कुछ शांति और आनंद पाएं, जीवन का आनंद लें, अपना भाग्य संपूर्ण करें, या आप सारा जीवन बिता देना चाहते इस कोशिश में कि किसी को सुखी करें, जिन्होंने शायद निर्णय भी कर लिया होगा कि वे सुखी नहीं होंगे। हम जरा विराम लेने वाले हैं। एमी के साथ होने को हम सराहते हैं। आज उसने जो कुछ कहा वो सबके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। अभी हम विराम लेने वाले हैं और हम अभी लौटेंगे। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं उस पुस्तक के बारे में बातें कर रही थी जिसे परमेश्वर ने मुझसे लिखवाई थी। शीर्षक है हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ। इसे करने में बहुत कठिनाई हुई। आप में से बहुतों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और जब तक ना करें आप सुखी नहीं होंगे, संपूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे। परमेश्वर ने आपका अभिषेक करके इसलिए आपको नहीं बुलाया कि आप कोई और बने रहें। मैं सदा कहती हूँ कोई और बने रहने के लिए वो आपकी मदद नहीं करेगा, मगर आप जितना उत्तम बन सकते हैं उतना बनने में अवश्य करेगा। इस पुस्तक से ये दो बातें आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये समझने में आपको मदद मिलेगी कि आप एक अति बहुमूल्य व्यक्ति हैं, और प्रभु चाहता है कि आप साहसी कदम उठाएं और जो आप हैं बने रहें। मैं शायद इसे पहले भी पढ़ चुकी हूं। हमने अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के अध्ययन में बहुत कुछ भावनात्मक और मानसिक शक्ति लगाई है इस निर्णय के लिए कि वे हमसे क्या चाहते हैं। फिर हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो वे चाहते हैं, और उससे हम अपने आप को खो देते हैं। मैं किसके लिए जी रही हूं, मैं जो कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ। उद्देश्य प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं प्रभु के लिए उतने महत्व का नहीं जितना कि हम क्यों करते हैं। आप जीवन का बहुत सा तनाव दूर कर सकते हैं यदि आप अपने से पूछेंगे कि मैं इसे क्यों कर रही हूँ, मैं इस कमेटी पर क्यों हूँ, इस क्लब में मैं क्यों शामिल हूँ, इस निमंत्रण को क्यों स्वीकार किया, ऐसा क्यों करती हूँ, क्या के पीछे क्यों का पता लगाने की कोशिश कीजिए, और आप जान जाएंगे कि आपके बहुत से उद्देश्यों के पीछे यह है कि लोग क्या सोचेंगे, और ये भी नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या मैं जनता तोषक बन गई हूँ अपने जीवन के लिए, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में हूँ, ये एक बड़ा प्रश्न है जो आपको अपने आप से पूछना है। मुझे अपने जीवन से क्या करना है। मैं एक युवती को जानती हूँ जिसका बचपन में दुर्व्यवहार हुआ और उसने वही किया जो दूसरे करते। उसने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों को सुखी करने में बिताया ताकि उसके मन को अच्छा लगे, और अंत में वो घोर विषाद से घिर गई और मन के डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जिसने उससे एक सवाल पूछा जो उसने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा, अपने जीवन के साथ क्या करना चाहती हो, तुम किससे खुश होती हो। उसने कहा कि मुझे अचंभा हुआ क्योंकि इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, ये भी नहीं सोचा था कि मुझे अधिकार है सोचने का। कुछ लोग हैं जो इतने स्वार्थी और स्वकेंद्रित है कि वे अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो अपने बारे में सोचते नहीं। और वास्तव में हमें चाहिए संतुलन। मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए, परमेश्वर की क्या इच्छा है कि मैं जीवन से करूं, और मुझे कौन सा दान प्राप्त है, किस में अभिषिक्त होने का मुझे विश्वास है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी योजना में समा जाएं, ना कि बरबस हर किसी की योजना में शामिल हो जाएं। किसी को इसे अभी सुनने की जरूरत है। भिन्नता ठीक है, भिन्न होना बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग हैं जो अपने को भिन्न मानते हैं या वे उनके सांचे में नहीं फंपते। वे वो नहीं जो हर कोई सोचता है मुझे होना चाहिए, मैं निराला हूं। एक बात जानते हैं कि भिन्नता ठीक है। इन सांचों को कौन बनाता है मैं नहीं जानती, पर परमेश्वर ने जब मेरा सांचा बनाया शायद प्रभु ने उसे तोड़कर फेंक दिया। मेरी तरह अनेक लोग नहीं है और इससे मुझे कष्ट होता था, और अब मैं जो हूँ उसी में बहुत खुश हूँ कि मेरी तरह ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि मैं सीख गई हूँ कि जब किसी चीज़ की घटी है तो जो पहले से है वो अधिक मूल्यवान है। सो आपकी तरह अगर ज़्यादा लोग नहीं है तो आप अधिक मूल्यवान हैं।
जिन कामों में दूसरे निपुण है, जब हम उन्हें करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर असफल होते क्योंकि उन चीजों का हमें दान नहीं है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि दूसरे उस काम में ज्यादा अच्छे हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि आप असफल हैं। कुछ अवश्य हैं जिसमें आप अच्छे हैं, आपका कोई संकल्प है, धरती पर यहाँ आपके होने का कोई कारण है। मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनिए, इस वेदना से मैं गुजर चुकी हूँ। और आज हम कार्यक्रम पर लोगों से बातें कर रहे थे जो इस वेदना से गुजर चुके हैं और अपने में बने रहने में सफल हुए, और परमेश्वर के आगे सब समान है। जो उसने दूसरे के लिए किया आपके लिए भी करेगा, मगर आपको विश्वास के कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और आप ही निर्णय कर सकते हैं कि कदम उठाकर एक नए स्वतंत्र जीवन में प्रवेश करेंगे या नहीं। हाँ, जब आप स्वयं बने रहने का निर्णय लेंगे, ऐसा कोई होगा जिसे ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा कोई होगा जिसे वे आपसे जो चाहते हैं नहीं मिलेगा यदि परमेश्वर की इच्छा पर आप जीवन में चलने वाले हैं। मगर याद रखिए, न्याय के दिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जो कि हर मनुष्य के लिए आने वाला है, हर मनुष्य प्रभु के सामने खड़ा होकर अपना हिसाब देगा। परमेश्वर आपसे किसी और के बारे में नहीं पूछेगा, वो आपसे आपके बारे में पूछेगा। मुझमें कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने अपने भाग्य को संपूर्ण किया। जो मुझे लगा तूने करने को कहा, मैंने किया। मेरे कान ये सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। मेरे उत्तम स्वामी भक्त दास, आप हमसे जुड़े रहें और जो जानकारी हम देना चाहते हैं प्राप्त करें। याद रखें, हमें आपसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है, मुझे आपकी चिंता है, और मैं चाहती हूं कि आप सर्वोत्तम मनुष्य बने। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं, आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।